हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये उठता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें। ठीक है, व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या हमें मिलता है, क्या हमारे इसके बेनिफिट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, और इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस और कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने की बात करती हैं, और इंडिया में इस डायरेक्शन में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और कब से इनकी शुरुआत हुई है। सबसे पहला जो था इंस्टीट्यूट कौन सा था जिसने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम स्टार्ट किया, तो ये सब बातें इस लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले कंजर्वेशन क्या है, तो हम कंजर्वेशन क्या है इसकी बात बताएंगे। तो कंजर्वेशन जो है एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से आया है जिसका दो टर्म से मीनिंग बना है। कौन का मतलब होता है टुगेदर, एंड सर्वे का मतलब होता है गार्ड, मतलब एक साथ गार्ड करना, मतलब सुरक्षा देना। तो कंजर्वेशन जो होता है वो क्या क्या होता है, उसमें प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स आते हैं कंजर्वेशन में, जिनके द्वारा बी ह्यूमन बींग्स मतलब ट्राई टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों तरीके की बात कर रहे हैं, प्लांट्स लिखा है, एनिमल्स भी है इसमें, बायोडाइवर्सिटी एट ऑल है। तो प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स टू कंजर्व द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये कंजर्वेशन का मीनिंग होता है। इससे एक डेफिनेशन अगर हम दें तो कंजर्वेशन की क्या होगा, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लिफ्टमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो एज टू मेंटेन इट एट ऑप्टिमम लेवल, मतलब मैक्सिमम जिससे हम इससे गिर ले सकते हैं उस लेवल तक, एंड डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट्स। सस्टेनेबल बेनिफिट्स इस तरीके के बेनिफिट की बायोडाइवर्सिटी जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसे भी नुकसान ना हो, और हमें भी उनके जो प्रोडक्ट हैं हमारी जो डेली लाइफ में यूज होते हैं वो हमें मिलते रहें। ठीक है, इस तरीके से सस्टेनेबल बेनिफिट्स फॉर द प्रेजेंट जो आज जनरेशन है एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन बता रहा है कि ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कंजर्वेशन को, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर आर बायोस्फीयर, दोनों बातें वाइल्ड लाइफ से हैं ये, कि नेचर भी अगर बात करें तो पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात करेगा, बायोस्फीयर की बात करें तब भी बायोडाइवर्सिटी की बात करें, फॉर कॉन्टिन्यूस डेरिवेशन ऑफ द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, कि कॉन्टिन्यूस इसके जो बेनिफिट्स हैं जो हमने बताए थे आपको इको सिस्टम सर्विसेज में, जितने भी मतलब जो बेनिफिट थे इको सिस्टम सर्विसेज बताई थी चार टाइप की, प्रोविजनल, रेगुलेटरी, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल, इस तरीके की जो भी चीज़ें आ रही वो कॉन्टिन्यूस डेरिवेशन होता रहे मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट फॉर ह्यूमन वेलफेयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये कंजर्वेशन का मीनिंग है। अच्छा, अब जो बात आती है कि एम क्या है। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव दोनों बात ये करेंगे, तो पहले हम एम की बात करते हैं कि कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का एम क्या है, क्यों हम कंजर्व करते हैं। देखिए, द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड मेंटेनेंस कंटिन्यूस गुड यील्ड ऑफ यूजफुल प्लांट्स एज वेल एज टू अवॉइड देयर मिसयूज। ठीक है, कि उनका मेंटेनेंस मतलब करते रहें और उनसे कंटिन्यूस हमें यील्ड प्राप्त होती रहे। ठीक है, यूजफुल प्लांट से और यूजफुल एनिमल से, एंड टू अवॉइड देयर मिसयूज, और उनका मिसयूज को भी हम रोक दें। ठीक है, ये हमारा एम है कि मतलब उनसे हमें मटेरियल मिलता रहे और उनका मिसयूज भी रुक जाए। कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही है कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना कि सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन दिस अर्थ। इट इज नीड इन रिलेशन टू द सीड्स नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, कह रहे हैं एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है इसका, मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, एंड इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। वो आपने देखा था जब मैंने इकोसिस्टम सर्विसेज का लेक्चर पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3, तो उसमें बताया था कि मेडिसिन 25% मेडिसिन जो है हमें डायरेक्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलती है। इस तरीके मोस्ट ऑफ द आवर इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, मतलब प्लांट एंड एनिमल, इसी तरीके से एग्रीकल्चर से। कंजर्वेशन इन इट्स ब्रॉड सेंस में अगर बात करें तो कह रहा है स्टॉप द अनप्लान डेवलपमेंट एंड केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट ब्रेक इकोलॉजिकल बैलेंस, क्या एक अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट है और केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस पर काम करना है और जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ब्रेक ना हो पाए। ठीक है, ये जो एम है इसके पीछे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का देखिए कितने टर्म्स में ऑब्जेक्टिव हैं इसके, एक साथ में लाना चाह रहा हूँ, बोर्ड पर दिख जाए आपको। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो मेंटेनेंस ऑफ नेचर एंड बायोस्फीयर, एथिकल यूजेस, हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, जीन बैंक, जीन बैंक का मतलब आएगा भी बताऊंगा, जीन बैंक आगे के लिए संभाल के रखें, और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस,
एथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज़, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड कुछ अननोन बेनिफिट्स भी हैं इसमें। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम वन बाई वन करके इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के। बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है मेंटेनेंस ऑफ नेचर एंड बायोस्फीयर। नेचर और बायोस्फीयर का मेंटेनेंस तो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो यहाँ पर लाइफ कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो समझ सकते हैं इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मेंटेनेंस ऑफ नेचर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेंटेनेंस ऑफ नेचर एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोस्फीयर से डायरेक्टली कंसर्न है, और ये दोनों जब मेंटेन रहेंगे तभी यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज़ जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो लाइफ कैसे सर्वाइव कर पाए, ह्यूमन बींग की लाइफ सर्वाइवल में सवाल उठ जाएगा। अगर क्योंकि मैन जो है पार्ट है अर्थ का, बायोस्फीयर का, और बहुत इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है फूड चेन का, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद करा एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ में क्या आता है, देखिए, ए वाइल्ड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ अपॉन अर्थ इज आउटकम ऑफ अबाउट 3.7 बिलियन ओल्ड प्रोसेस ऑफ जे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो भी आज वैरायटी ऑफ लाइफ जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो किसका रिजल्ट है, जो 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड प्रोसेस हुई थी जिसका नाम क्या था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। और स्पीसीज जो होती है वो एक बार इवॉल्व होगी, ठीक है, और फिर नेवर इवॉल्व नहीं होगी अगर वो ख़त्म हो जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एथिकल है, कि अगर हमारे पास चांस नहीं है, चलो कि हमने ख़त्म कर दिया, दोबारा फिर से वो अपने आप आ जाएगी, या हम तब चाहेंगे जब उसे रिकवर कर लेंगे, तो इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। अगर स्पीसीज ख़त्म हो गई एक बार तो वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। और उससे जुड़े हुए बेनिफिट्स, उससे जुड़े हुए जो भी प्रोसेसेस हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, और वो किस तरीके से हमारे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करेंगी वो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पूरा जो इंटायर जेनेटिक डाइवर्सिटी या बायोस्फीयर फॉर इंश्योरिंग ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टू कंटिन्यू। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की एक स्पीड है जो आज भी चल रही है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्पीसीज अर्थ पे हैं वो मेंटेन रहें, वो किसी भी हालत में एक्सटिंक्ट ना होने पाएँ, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात कर रहा है एजुकेशनल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बायोडाइवर्सिटी के। देखिए, पीपल कलेक्ट एंड प्रिजर्व एंशियंट पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आइडियल्स, यूटेंसिल्स, कॉइंस, बुक्स, अपैरल्स, टूल्स एटसेट्रा इन द म्यूजियम विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सच कलेक्शन आर अनडाउटली ऑफ हिस्टोरिकल एंड एकेडमिक इंपॉर्टेंस। इनसे क्या होता है, म्यूजियम में जाते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्च होती है उन पर, ठीक है, उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है कि जिस कंट्री के पास जितना एंशियंट बायो लाइफ से रिलेटेड जो सबस्टेंसेस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो होंगी, वो उतना ही कल्चर रिच कंट्री माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है प्रेजेंट फ्लोरा एंड फौना आर दी रिपोजिटरीज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बायोस्फीयर। ये हमारी जो बायोस्फीयर की हिस्ट्री है उसे बताते हैं, हम इन पर स्टडी करें तो हमें पूरा अपना प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में हमें इनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा रहा था, ठीक है, और कैसे करके लाइफ ऑफ ओरिजिन हुई, और एवोल्यूशन की जो रेट थी, स्पीड थी, वो अब ज़्यादा है या पहले ज़्यादा थी, ये सब बातें कि हम जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने से ही मिल पाएगी, ठीक है। और इसलिए कंजर्वेशन कह रहा इज़ नेसेसरी फॉर आवर नॉलेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जीन बैंक का क्या संबंध है इनसे। देखिए, जीन बैंक, ऑल वाइल्ड स्पीसीज एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म मस्ट कंजर्व बिकॉज दिस सप्लाई वेरी यूजफुल जीन्स यूज इन द जेनेटिकली कल्टिवेटेड न्यूज एंड इम्प्रूवड वेराइटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स हमारे जो हैं एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, या फिर कुछ प्लांट में कुछ डिजीज लग गई हैं, इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम उन्हें किसी भी तरीके के बायोपेस्टिसाइड से क्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास एक चांस बचता है कि बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस डिजीज़ के लिए जीन्स कहीं मिल जाए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं इसी प्लांट की जिसमें डिजीज हुई है वो हम सर्च करते हैं, और वो जीन जब हमें मिल जाता है तो उसके थ्रू हम उसे कट करते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अपने प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम अपने जो मेन क्रॉप है जो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं उसे हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं टू एनी रेस्पेक्टिव पैथोजन के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो डाइवर्सिटी है उसे मेंटेन करना है, उनके जीन को मेंटेन करना है, जो फॉर्म ऑफ जीन बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन फ्यूचर में अगर हमारे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप पर कोई डिजीज लग रही है, ठीक है, और सब कुछ करने के बाद अगर हम उससे प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे तो हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और हमें यह सर्च करना होता है कि इस पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा ऐसा स्पीसीज है नेचर में कि जहाँ पे इस पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। उसे सर्च करने के बाद हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वो जीन वहाँ से लेके अपनी डोमेस्टिकेटेड क्रॉप में इंसर्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से हम इस इन्फेक्शन से अपने प्लांट को
क्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इन्हें एक एग्जाम्पल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आप इसे समझ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस रिगार्डिंग। कि देखिए, एक डिजीज थी ब्राउन प्लांट हॉपर, राइस मिल, किस वाले राइस में थी, न्यूली इवॉल्व राइस पेस्ट है ये ब्राउन प्लांट हॉपर। इसने हमारी राइस की वैरायटी के कल्टीवेशन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करा। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास, हमने देखा कि कहीं से नहीं मिले तो हमने सर्च किया, तो केरला में पाई जाने वाली बहुत ही ओल्ड वैरायटी थी, उसमें इस तरीके का जीन मिला कि जो उस पार्टिकुलर पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, हमने वहाँ से वो जीन लेके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी वैरायटी में इंसर्ट कर लिया। और इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी इस वैरायटी को जिसमें ये ब्राउन प्लांट हॉपर डैमेज कर रहा था, उसे हमने इस पार्टिकुलर पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट बना लिया। इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम जितने भी हमारे पास वैराइटीज़ हैं वाइल्ड में, हम उनका सबका जीन बैंक में स्टोर कर लें, ठीक है, उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम कभी भी आने वाली नई प्रॉब्लम के साथ, नई बीमारी के साथ, नए पेस्ट के ओरिजिन के साथ, हम अपने क्रॉप्स को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल आप लिखें इसमें, ब्राउन प्लांट हॉपर जो न्यू पेस्ट है, देखिए न्यू करा था, इसका पहले एग्जिस्टेंस नहीं था, तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम कैसे रिमूव करें, इसे रिमूव करें। तो हमने इसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ पर सर्च किया, केरला की कुछ ओल्ड वैराइटीज़ में इस पार्टिकुलर पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन हमें वहाँ पे मिल गया, और हमने वहाँ से लेके इस अपने न्यू कल्टीवेटेड राइस प्लांट में इंसर्ट कर दिया, और इस तरीके से हमने अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेज जो हमारा ये साइंस है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इस प्रकार बायोलॉजिकल साइंसेज रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज अपॉन ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक डॉग, फ्रॉग, गिनिया पिग, रैट्स, डॉग, मंकीज। ठीक है, इन सब पे क्या होता है, रिसर्च होती है इन सभी फील्ड में, अब बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, तो इनका सबका मेंटेन रहना, मतलब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे आता है। उसके बाद ये कुछ एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यूज भी हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। इसमें क्या आएगा, एस्थेटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ ब्यूटी, और कल्चरल वैल्यू जो हमारे जो रिचुअल्स और सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट आपने देखा होगा हिंदूज में इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अगर ऐसे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे कहते हैं ना ब्रह्मा के टीयर से मिला है, कोई ब्रह्मा की बॉडी से मिला है, कुछ प्लांट का यूज जो होता है पूजा के टाइम होता है, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, डिफरेंट टाइप जो गॉड्स हैं हिंदूज कल्चर में, उसके पूजा में यूज होते हैं, तो ये कल्चरल में आ गया। एस्थेटिक का मतलब बहुत सारे प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साउथ इंडियन में जो लेडी होती है वो अपने बालों में गजरा वगैरह लगाती हैं, ठीक है, इसी तरीके से कुछ प्लांट जो होते हैं पूजा के टाइम यूज करे जाते हैं, और कुछ डेकोरेशन शादी ब्याह के मौसम में उनका यूज होता है, जो एस्थेटिक वैल्यूज। तो इस तरीके से हर एक प्लांट का मेंटेन होना, मतलब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व होना, एस्थेटिक एंड कल्चरल व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख लें, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड सोलेस एंड एस्टिकेसी टू अस, द गार्डनर ऑफ द बिजनेस हैज़ बीन इंस्पायरिंग आर्टिस्ट, पोइट्स, कंपोजर्स एंड हैज़ बीन रिचिंग लिटरेचर, रिलीजियस फिलासफी में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कवि जो होता है वो अच्छे फ्लावर को देखकर अपनी कविता लिखता है, फिलासफर अच्छे नेचर को देख के अपनी नेचर करता है, ऋषि मुनि जो थे पहले जंगलों में जाके अपनी बाड़ियाँ लिखते थे, तो इन सब का इंपॉर्टेंट है, जो एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यूज में आता है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक की बात तो नहीं करें, हमें क्या क्या मिलता है बायोडाइवर्सिटी से, हम आपको इकोनॉमिक इकोसिस्टम सर्विसेज के लेक्चर में बता चुके हैं, तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सब कुछ आता है, हमारी मेडिसिन मोस्टली जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिल रही हैं, ठीक है, मुस्क डीर मेडिसिन, रबर, टिम्बर, हाइड, स्किन, बूल, ये सब कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप बहुत सारा लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें आपके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ अननोन बेनिफिट के बारे में बात करें जो पता ही नहीं था, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हमने बहुत सारे प्लांट आपको बताए, सिनकोना बताया था जिससे मलेरिया की ड्रिंक मिलती है, सिनकोना टेरी जो पेरू में पाया जाता है, यूरोप का कंट्री है, इसी तरीके से पेनिसिलियम एक फंजाई से मिलने वाला एंटीबायोटिक है जो कि हमारे इन्फेक्शियस डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज में स्पेशली काम करता है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब कुछ करेक्टर्स बायोडाइवर्सिटी की वजह से हम ये डिस्कस करेंगे, कौन कौन से करेक्टर जो होते हैं पॉपुलेशन के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। जैसे लार्ज बॉडी साइज, तो लार्ज बॉडी साइज की वजह से जो एनिमल अभी एक्सटिंक्ट हुआ है या फिर अंडर थ्रेट हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के करीब में हैं, तो उनमें लार्ज बॉडी साइज की वजह से एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, लायंस एंड राइनोसरस। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे करेक्टर्स मैंने आपको बताए, कुछ एनिमल ऐसे आएंगे कि दो करेक्टर जिनके वो फिट होंगे, जैसे माना कि हाथी जो होता है वो लार्ज बॉडी साइज की वजह से आज अंडर थ्रेट है,
रॉयल बंगाल टाइगर भी थ्रेट है इसी करेक्टर, लार्ज बॉडी साइज, मगर हो सकता है आगे रॉयल बंगाल टाइगर किसी और करेक्टर की वजह से भी प्रॉब्लम में हो। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ एक्सटेंशन से है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि एक ही करेक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसी स्पीसीज़ के एक्सटेंशन के लिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा करेक्टर देखते हैं हम, देखिए स्मॉल बॉडी साइज और लो रिप्रोडक्टिव रेट, देखिए दोनों का, एक छोटे हैं साइज़ में, दूसरा रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम है। इसमें आपका विलू वेयर एंड गेंट पेंडा आ रहा है, ठीक, गेंट पेंडा देखा होगा, इन दोनों साइज़ में छोटे होते हैं और रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से ये दोनों इन फ्यूचर में विलुप्त हो सकते हैं। उसके बाद कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हाइयर स्टेटस है इनका ट्रॉपिक लेवल में, जिसमें देखिए बंगाल टाइगर आ गया, बाल्ड ईगल आ गया है, ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट और अपने हैबिटेट की वजह से आज एक्सटेंशन के कगार पे हैं, जैसे विलू वेल देखिए ऊपर भी आया था एंड होपिंग क्रेन। इसके बाद कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनका जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहने का मतलब जो जहाँ पे वो रहते हैं सर्वाइव कर सकते हैं, या उनकी ज्योग्राफिकल रेंज बहुत लिमिटेड है, इसकी वजह से वो लोग एक्सटेंशन में, जैसे कि वुडलैंड कैरिबू जो एक एनिमल होता है, इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है बहुत स्मॉल है, बहुत ही नैरो रेंज में ये सर्वाइव कर सकता है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो इसके लिए सर्वाइवल के लिए मुश्किल आ जाता है। उसके बाद एक एनिमल है कुछ जिनमें लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बहुत एक टाइम तक उनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जब नहीं होगी तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिक वेरिएशन जो होती हैं रॉ मटेरियल काम करती हैं फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, ए प्रोसेस फॉर द न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन, न्यू स्पीसीज का होना बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है एक्सटेंशन के लिए। तो बाइल्ड हेडेड लंगूर इस कैटेगरी में आता है जिसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। उसके बाद एक आता है इनएबिलिटी टू स्विच ओवर अल्टरनेट फूड, जैसे ऐसा होता है कि जो ज़्यादा सर्वाइव करेगा वो ओमनीवोरस करेगा, वो मीट भी खा सकता है, वेजिटेबल भी खा सकता है, ठीक है। कार्निवोर्स केवल मीट को खाएंगे और हर्बीवोर केवल फर्ब को खाएंगे, मगर एक एनिमल जो ज़्यादा फ्लोराइज होगा, ज़्यादा एडवांस होगा, ज़्यादा डेवलप हो रहा है आज के टाइम में, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ओमनीवोरस हो या वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड पे सर्वाइव कर सकता हो। तो कहने का मतलब इनएबिलिटी टू स्विच ओवर अल्टरनेट फूड, अगर कोई एनिमल ऐसा है जो अपने फूड को चेंज नहीं कर सकता है कारण बस, अगर उस ज़रूरत पड़े फिर भी नहीं कर सकता, तो ये उसके लिए एक्सटेंशन का कारण हो सकता है। तो इस कैटेगरी में आता है पोलर वियर। लास्ट है आइलैंड स्पीसीज होती हैं, आइलैंड ख़त्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं, तो जैसे इसमें आएगा आपका जॉन फर्नाडे फायर क्राउन जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है आज के टाइम में इसी वजह से, ठीक है, और आगे टाइम हो सकता है ये एक्सटिंक्ट हो जाए। अब हम स्टेटस की बात करते हैं कि बायो लाइफ कंजर्वेशन इंडिया में क्या स्टेटस है। देखिए इसका कि मेनी रीजंस, सम आर ऑब्वियस और कुछ नॉट ऑब्वियस हैं कि हम भाई बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व कर रहे हैं, वो हमने ऊपर बता दिया, फिर से देख लेते हैं एक बार। अब कुछ रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो हम करते हैं, मगर वो रीजन क्या है, वो तीन कैटेगरी में हम बांट रहे हैं उन्हें, नैरो जहाँ पे यूटिलिटेरियन कम है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल, तीन रीजन। अभी ऊपर हमने इनके नाम वाइज बता दें, यहाँ पर हम रीजन को हमने कैटेगराइज कर दिया, टोटल रीजन जो है तीन रीजन में, कि नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल रीजन की वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। तो देखिए नैरो यूटिलिटेरियन में क्या है, ह्यूमन ड्राइव्स काउंटलेस डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, जैसे सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद देखते हैं 25% ड्रग्स हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें प्लांट से मिलती हैं, और उनका जो पूरा कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर हम वहाँ से परचेज ना करें, अगर अपनी बायोडाइवर्सिटी लें तो फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। नोबडी नोज हाउ मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर यूजफुल इन द ट्रॉपिक्स रेन फॉरेस्ट जो बेटिंग टू बी एक्सप्लोर कर। अभी बहुत बड़ा जो है एरिया प्लांट का अनएक्सप्लोर्ड है, जिसपे अभी हमें मालूम चल सकता है कि बहुत सारी हमें इनसे प्लांट और मेडिसिन मिल सकती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसी तरीके से कह रहा है कि इंक्रीजिंग रिसोर्सेज बायो प्रॉस्पेक्टिंग, बायो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि हम नई नई मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसी लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के इनसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है, एक बहुत बड़ा एरिया जो है मिसिंग है, जो ऑलरेडी है और हम उसे एक्सप्लोर करें तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत सारी मेडिसिन मिल सकती हैं। इसके बाद आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की बात करें कि मैक्सिमम यूज कहाँ पर होता है, जैसे हमने बताया था इकोसिस्टम सर्विसेज में कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब है तो पूरा सर्वाइवल है एटमॉस्फेयर में, तभी तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आया। दूसरा पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन ना हो इंसेक्ट के थ्रू या डिफरेंट टाइप के एनिमल के थ्रू तो आप समझ सकते हैं पूरा प्लांट ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि
सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो प्लांट नहीं बनेगा। इस तरीके से बम्बल बीज, बीज, बर्ड एंड बैट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसके बाद आता है एस्थेटिक प्लेजर, ठीक है। एस्थेटिक प्लेजर जो मैं बताया था आपको कि एस्थेटिक प्लेजर आप वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स को देखने से हमें अच्छा लगता है, जब फ्लावर के स्प्रिंग का मौसम आता है फुल ब्लूम, ठीक है, बुलबुल का जो गाना होता है उससे फीलिंग होता है। तो ये सब चीज़ें जो है एस्थेटिक वैल्यू में आती हैं। इसके बाद कुछ एथिकल रीजन्स हैं कंजर्व करने के, देखिए, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमें केवल बस फील होती है, इवन इट मे नॉट बी करेंट आर एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, हमें ऐसा लगता है कि किसी वैल्यू की हमारे लिए नहीं है, ना करंट में ना आगे होगी ना कुछ लगता, मगर उसके अंदर है। वी हैव ए मॉरल वैल्यू टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमें जो हमारे जनरेशन ने हमें दी, हमारे एंसेस्टर्स ने, हम अपनी इनकमिंग जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। तो ये हमारे एथिकल वैल्यू है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें फॉर देम। अच्छा, डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी शो टू मास्टर ग्रेडिएंट, जैसे इसमें थोड़ा सा हम बता रहे हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे करके बायोडाइवर्सिटी का होता है, एल्टीट्यूडनल और लैटीट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी घटने और बढ़ने का ट्रेंड बता रहे हैं। तो कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है आर्टिक रीजन में, ठीक है, मिनिमम, सॉरी, मिनिमम होती है सबसे कम आर्टिक रीजन में होती है, मॉडरेट होती है टेम्परेट रीजन में ठंड वाले, और मैक्सिमम कहाँ होती है ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ गर्मी, बताया था हमने कि बरसात और सनलाइट टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ होता है, और ये सब दोनों कंडीशन, चेंजिंग कंडीशन जो होती हैं बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बताया था मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आर प्रेजेंट देयर। इसी तरीके से कह रहा है एक सेकेंड मास्टर ग्रेडिएंट बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जैसे हम किसी माउंटेन पर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है बेस पर सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम उसके ऊपर चढ़ते हैं हाइट पर तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो इन डिक्रीज होती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। इसी कह रहे हैं लोअर टेम्परेचर एंड ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी रिड्यूस दी बायोडाइवर्सिटी, जैसे ऊपर हम जाएंगे तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा और जो सीजनल वेरिएबिलिटी है वो कम होती जाएंगी, तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी कंटिन्यूस बेसिस पे। उसके बाद आता है कि इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज जो है कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले नाम आता है जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं IUCN, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बट अब इसका नाम क्या हो गया है WCU, मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं आज के टाइम में, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, किस जगह पर, मॉरग्यूज में, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया में आते हैं तो इंडिया में हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसने हमारी पूरी कंट्री को 10 बायोजियोग्राफिकल, मतलब 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर रखा है। ये रीजन कौन से, इनका नाम देखिए आप थोड़ा सा डिटेल में, ट्रांस हिमालय, हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डीकन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट आइलैंड, ये इस तरीके से उन्होंने पूरी एंट्री को हमारे 10 जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया। अब इसमें से चार रीजन है नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट हैव वाइल्ड रिलेटिव ऑफ नंबर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स लाइक बनाना, सिट्रस, मैंगो एंड पीपर, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और वेस्टर्न घाट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बताया था, इनमें जो है बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी एंड दे हैव वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ नंबर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स लाइक बनाना, सिट्रस, मैंगो एंड पीपर के। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडेमिक की बात करें तो चार रीजन हमारे पास हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार। इन रीजन में कुछ ऐसा मतलब फ्लोरा एंड फौना, मतलब बायोडाइवर्सिटी इस तरीके की है या वाइल्ड लाइफ इस तरीके की दूसरी जगहों पर इंडिया के बाकी जो 6 रीजन हैं उनमें नहीं पाई जाती। कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द इंडेमिक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर एरिया ऑफ ए रीजन आकर इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार, मतलब यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो दूसरी कंट्री के प्लेसेस से थोड़ा डिफरेंट है, हम इन्हें कहेंगे इंडेमिक्स। वेस्टर्न, इसमें भी कह रहा है वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा एंडेमिक एम्फीबियन पॉपुलेशन पाई जाती है, एम्फीबियन मतलब जो जो मेन डग सेलामेंडर्स जिसमें आता है, ठीक है, वर्टिब्रेट का एक कैटेगरी होता है। इन टेम्परेट रीजन में द क्लाइमेट इज सीवियर विथ शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड फॉर प्लांट्स, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह रहे कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेट रीजन में कंडीशन ग्रोथ के लिए थोड़ा फेवरेबल नहीं होती, बट ट्रॉपिकल रीजन में कंडीशन आर मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्लोरा।
अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या है, कौन सी एजेंसी सबसे पहले स्टेप लिया टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, उसकी बात करेंगे हम इसमें। देखिए, बायोडिस्पेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोस्फीयर एंड रिजल्टेंट ह्यूमन स्पीसी हैव कम इन टू द प्रॉपर लाइमलाइट ओनली इन द प्रेजेंट सेंचुरी, सो ए गोल ऑफ कंसर्न ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन हैज अराइजन एंड सीरियस एफर्ट इन दिस डायरेक्शन हैव बीन मोटेड एट ए सोशल एंड गवर्नमेंटल लेवल ऑल ओवर द ग्लोब। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, 1972 में कन्वेंशन हुआ था जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसका ये कहाँ स्टॉकहोम कहाँ है, ये स्वीडन एक जो कैपिटल है कंट्री यूरोप, बाकी राजधानी है स्टॉकहोम। और ये प्रोग्राम जो था, ये कन्वेंशन हुई थी अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत, उसके सुपरविजन में हुई थी, जिसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और कब हुई थी, 5 से 16 जून को, सबसे पहला एफर्ट था मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया में तो बहुत पहले हुआ था, वो भी बताऊंगा अभी। पहले आप जनरल लेवल में बात करें बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के रेफरेंस में, जो पहली मीटिंग थी वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को माना जाता है। ठीक है, 1972 बाद फर्स्ट इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी। और इसके बाद जो था 87 में एक दूसरी कन्वेंशन हुई थी जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी रिपोर्ट या इसी को बोलते हैं ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, तो 1972 सबसे पहले हुई स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, उसके बाद 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बनी थी एजेंडा 21 के नाम से। ठीक है, जो एक तीन पार्ट थे, एक जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट 1972 वाली, 1992 ब्राज़ील वाली, उसका एक पार्ट था एजेंडा 21। उसके तीन पार्ट थे, उसमें जो एक पार्ट था एजेंडा 21, उसमें भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करी गई। तो इस तरीके से तीन बातें आप ध्यान रखें, स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, दूसरा था ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट, और तीसरा एजेंडा 21 जो कि 1992, इससे पहले 1987 और इससे पहले 1972। ठीक है, इन तीन जगहों पे बात करी गई थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो स्पेशली इसी के लिए करी गई थी, और जिसने कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन स्कीम की सजेशन दिया था। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड कंजर्वेशन स्कीम, और उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये थे, वो देखें आप पॉइंट को देखें कि उसमें क्या बात करी गई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन में, स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो बात करी गई, तो पहला पॉइंट था कि वाइल्ड लाइफ मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन सीटू, मतलब नेचुरल हैबिटेट। अभी हम पढ़ाएंगे आपको, आज X2 पढ़ाएंगे, कल इन सीटू पढ़ाएंगे। तो पहले इन सीटू मतलब नेचुरल हैबिटेट लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंड X2 आर्टिफिशियल हैबिटेट लाइक जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद है कि ऑल एफर्ट सो बी मेड टू कंजर्व ऑल थ्रेटन्ड स्पीसीज आर स्पीसीज विच आर सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लार्जर ग्रुप लाइक जेनरा फैमिलीज ऑर्डर एंड क्लास, कि सभी स्पीसीज या उनके जो बहुत ही रेयर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सोल रिप्रेजेंटेटिव उनको जरूरी मतलब प्रोटेक्ट किया जाए। तीसरा पॉइंट था कि इंडेंजर्ड स्पीसीज शुड बी गिवन प्रायोरिटी, जो इंडेंजर्ड हैं उन्हें थोड़ा स्पेशल वैल्यू दी जाए जल्दी, मतलब उनके लिए अच्छे मेजरमेंट यूज़ किए जाएँ कि वो उनका प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके बाद कहा था इनकी इन फिक्सिंग प्रायोरिटी, जब हम कंजर्वेशन की प्रायोरिटी फिक्स करें तो उस टाइम स्पीसीज या जो एनिमल है प्लांट हैं उनका प्रायोरिटी एरिया प्रायोरिटी वे क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक वैल्यू जो जिसकी ज़्यादा हो उसे प्रायोरिटी देना चाहिए ड्यूरिंग द कंजर्वेशन के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट इस मीटिंग का था कि जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं आप यूजफुल प्लांट, जैसे हमारा वीट हम करते हैं, राइस करते हैं, इन्हीं राइस और वीट के जो हमारे वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, जंगली फार्म में पाए जाते हैं, उन्हें भी कंजर्व करा जाएगा, क्योंकि वो जो वाइल्ड वाले हैं डोमेस्टिक वालों के लिए एज ए जीन बैंक का काम करते हैं, जैसे अभी हमने बताया था आपको केरला वाला एग्जांपल। ठीक है, तो हर एक डोमेस्टिक का वाइल्ड होता है, तो वाइल्ड को भी कंजर्व करा जाएगा डोमेस्टिक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि जो लाइफ सपोर्टिंग एबायोटिक कंडीशंस हैं वो भी आपको मेंटेन करनी है, हर कंट्री के लिए इंस्ट्रक्शन थे। इसके बाद बताया कि माइग्रेटरी जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग ब्रीड और वो कहाँ पर मतलब रेस्ट करेंगे उनके हैबिटेट का सही से प्रॉपर सेव इंतजाम करना चाहिए, और उनके हैबिटेट को सेफ गार्ड एज वेल एज प्रिजर्व करेंगे। उसके बाद बोला था कि लैंडमार्क जो मतलब तुम देखा हो साइबेरिया वगैरह से पक्षी आते हैं वो एक स्पेशल नेविगेशन के थ्रू आते हैं कि वो किसका सहारा ले रहे हैं कि उन्हें दोबारा उसी कंट्री में उसी प्लेस पर लौट के आना है, तो जो उनके नेविगेशन के जो लैंडमार्क हैं
ठीक है, उन्हें कंजर्व करा जाएगा। जैसे सपोज करो साइबेरिया से कोई बर्ड इंडिया में आ रहा, तो वो किसी नदी के थ्रू आएगा या किसी माउंटेन रेंज के थ्रू आएगा, तो उन माउंटेन रेंज या जो भी उनके नेविगेशन पॉइंट हैं उन्हें भी कंजर्व करा जाएगा, क्योंकि जब नेविगेशन से वो भटक जाते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, वो गिर के मर जाते हैं, ठीक है, या उनका किसी तरीके से लॉस हो जाता है। तो कहना है उनके जो नेविगेशन पॉइंट हैं, जो लैंडमार्क्स हैं, उन्हें भी कंजर्व करने की बात कही गई थी इसमें। उसके बाद करा गया था कि इन जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेशन से क्रॉस होकर आते हैं। जैसे कोई बर्ड मतलब अमेरिका से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, कनाडा का है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका जब इंडिया में आएगा तो बहुत सारी कंट्री को वो क्रॉस करके इंडिया में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच वो क्रॉस करके आएगी, इनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि इस जो एनिमल आ रहे हैं, जो हमारे बर्ड्स आ रहे हैं, इन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कोई इनका बीच में पोइचिंग, कोई हंटिंग ना कर पाए। तो एक इंटरनेशनल, एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की बात करी गई थी इसमें, ठीक है, बाइलेटरल मल्टीलेटरल। उसको नेक्स्ट पॉइंट बोला गया था कि जो पूरा इकोसिस्टम जिसमें वो रह रहा है, पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने की बात करेगी, ना कि पार्टिकुलर स्पीसीज को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस अगर हम पूरे इकोसिस्टम करेंगे तो उस स्पीसीज के साथ दूसरे एनिमल भी प्रोटेक्शन पा जाएंगे, इसमें अच्छी बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि एक इकोसिस्टम जो होता है यूनिक होता है, किस फिर किसके लिए यूनिक होता है, देखिए, एन इकोसिस्टम इज यूनिक एक्चुअली फाउंड इन ओनली सिंगल एरिया इन दी वर्ल्ड शुड बी कंजर्व ऑन टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑस्ट्रेलियन हैबिटेट है, तो ऑस्ट्रेलिया में तुम देखोगे प्रोथीरियम मेटाथीरियम जो कंगारू हम बोलते हैं ना, उनके लिए हैबिटेट पाया जाता है, वो दूसरी जगहों पे नहीं पाया जाता है। तो इनकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इस पॉइंट को भी दिया जाए कि जब किसी एक सिंगल जगह पाया जाए तो उसके लिए प्रोटेक्शन ज़्यादा दिया जाए, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला कि इंटरनेशनल ट्रेड किया जाए, जो हमारे एनिमल्स और प्लांट की मतलब होता नहीं है, जो ट्रेडिंग होती है, इन पर एक मतलब मीटिंग करी जाए और ट्रेड को रोका जाए, इसे रेगुलेट किया जाए कम से कम, कि ज़्यादा ना मारा जाए, ज़्यादा पोचिंग हंटिंग ना हो, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी या जो हमारी कहते हैं ना एक्सटेंशन केवल पे ना पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेचुरल हैबिटेट्स शुड बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर एंड फॉर द प्रोटेक्शन शुड बी इंश्योर्ड बाई मीन्स ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ। जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा जाए, जैसे नेशनल पार्क बना दिया जाए, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए, और उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेजर का प्रबंध किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गेम हंटिंग एक थी जो ब्रिटिश टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन थी हमारे, ठीक है, गेम हंटिंग जैसे जो खेल होते हैं ना, इन्हें बंद किया जाए। उसके बाद कह रहा है कि वाइड स्प्रेड नेटवर्क शुड बी मेड टू एजुकेट, जनरल पब्लिक को जरूर मतलब एजुकेट किया जाए, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा इंडिया में, ठीक है। तो कह रहा है इनके लिए जो है एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क बनाया जाए टू एजुकेट जनरल पब्लिक अबाउट दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायोस्फीयर डिस्ट्रक्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन, कि अगर हम जो बायोडाइवर्सिटी को ऐसे ख़त्म करते जाएंगे तो जो बायोस्फीयर डिस्ट्रक्शन के हमारे सामने कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, और जो कंजर्वेशन के थ्रू जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं उनके बारे में बताया जाए कि भाई इन्हें कंजर्व कर रहे हो तो हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और अगर हम ऐसे मारते चलेगा तो पूरा बायोस्फीयर ख़त्म हो जाएगा, और बायोस्फीयर जब ख़त्म हो जाएगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ह्यूमन सर्वाइवल या ह्यूमन लाइफ ऑन दिस अर्थ पर जो चल रही है ना बहुत अच्छे से, इसका इस पर क्या इफेक्ट होंगे। उसके बाद बता रहा है कि इफेक्टिव नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो सेटअप करी जाएं टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कैसे करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। सबसे पहले इंडिया का नाम आता है तो एक सोसाइटी थी हमारे इंडिया में जिसका नाम था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS करके सब लगते हैं, ठीक है। सबसे पहला एफर्ट इसने करा था इन मूवमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसके बाद जो हमारा भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद, 1952 में एक बोर्ड बना था जिसका नाम था इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ, ये भी इस डायरेक्शन में काम करने के लिए कि हाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्व। उसके बाद में तीसरा प्रयास था वो 1972 का है, एक बोर्ड का गठन हुआ था, एक एक्ट आया पार्लियामेंट्री एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। इसके अंदर क्या बात बोला कि जो लीगल प्रोटेक्शन जो थी बायोस्फीयर को प्रोवाइड करी गई, नेशनल पार्क को, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। आपने देखा होगा जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था यूनेस्को के, उसके थ्रू जो 1972 में रूल बना था, तो सबसे पहला हमारे यहाँ प्रोग्राम था बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी का, उसके बाद इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बना था, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसके नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बने थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और बहुत अच्छी बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनली, एक 42 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हुआ था जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये बात है कि आप किसी भी नेचुरल फ्लोरा को हार्म नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए एक रेगुलेटरी मेजरमेंट हुआ था फॉर एवरी सिटीजन, ठीक है। तो 1976 में जो हमारा 42वां संशोधन हुआ था संविधान संशोधन का, उसके थ्रू हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, जो पहले इनका नंबर 11 था। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में आता हूँ, आज इनका नंबर कितना है, 10 है, ध्यान रखना है।
फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें ये बात बताई गई थी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और अगर इन्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके लिए, उस सिटीजन के लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा, उसके बाद 1976 के बाद 1980 में 1980 में इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल आया, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये बात बोली गई थी कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए जब तक कि हमें दोबारा वहाँ पे, अगर मतलब हमने एक फॉरेस्ट काटा पुराना, नया लगाना, तब तो हमें परमिशन मिलेगी कटने के लिए, अदरवाइज़ हमें परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी बीच इंडिया ने कुछ ऐसी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी मेंबरशिप भी ले ली, जैसे IUCN, WWF एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर बन गया था। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल भी आ गया, तो ये पांचवा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पांचवा एफर्ट है। उसके बाद सिक्स नंबर पे इंडिया ने 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लगाया इंडिया ने, ये ध्यान रखना है तुम्हें। एक पूरी सीरीज है, देखिए बढ़ता चला रहा है, 80, 83, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1992 आ गया, जो एक इंटरनेशनल एफर्ट के थ्रू हमें कुछ डायरेक्शन मिले, मतलब इंडिया को कुछ डायरेक्शन मिले। तो इसका मतलब ये भी, मतलब एक हमारे प्लान में करेंगे कि इसका जब हुआ तो ये ब्राज़ील में था, मगर इसमें जो गाइडलाइंस निर्धारित हुई थी उसके थ्रू इंडिया ने क्या क्या किया, तो ये भी इसका असर इंडिया में हुआ। तो कहने का मतलब है, अर्थ सब में एक हिस्टोरिकल कन्वेंशन थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। और इसके बाद क्या हुआ कि ऑल नेशन इसमें इन्वाइट करे गए टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स का, ठीक है। उसके बाद 92 के बाद एक बर्ड सम्मिट हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में, ठीक है। तो ये लास्ट 2002, इसके बाद भी बहुत सारी हुई, मगर मैंने एक आपको डेटा दिया है 1883 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से लेके बर्ड सम्मिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, 2002 के तक एक डेटा दिया। इसमें क्या करा गया था, बर्ड कंडीशन ऑफ कंजर्वेशनिस्ट थी, इसमें सब पूरी दुनिया के जो कंजर्वेशन थे, जो डायरेक्शन में काम कर रहे थे, उन सब की मीटिंग हुई थी, और इन्होंने एक्सिटू और इंस्टीट्यू थ्रू अप्रोच के थ्रू बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करी थी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1883 से लेके आप 2002 तक के, कि सबसे पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन था ओल्डेस्ट, तो 1883, देखिए 19th century में था ये, ठीक है। उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना है आपका 1952, भारत जब आज़ाद हो गया, उसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई 76 में, और उसके बाद 1980 में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल लेके आए, और उसके बाद 83 में नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ प्लान एक्शन प्लान का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद अर्थ सम्मिट, और उसके बाद आपका वर्ल्ड सम्मिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सिट्यू और इंस्टीट्यू कंजर्वेशन मेथड की बात करी है। तो इंस्टीट्यू एक्सिट्यू कंजर्वेशन में देखिए क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसके डिटेल देखिए। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं ये, तो इसमें दो तरीके की होती है। इंस्टीट्यू का मतलब होता है कि हम उन्हें वहीं पे कर दें, जहाँ पर वो हैं वहीं पे उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड कर दें, और एक्सिट्यू का मतलब होता है कि हम उन्हें वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर करके लाएँ, ऑफ साइट इसे बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोकेशन, सैम्पलिंग, ट्रांसफर, इसमें तीन बात है। इसमें देखिए लोकेशन, डेजिग्नेशन एंड मैनेजमेंट करा जाता है, क्योंकि हम दूसरी जगह पर उठा के ला रहे हैं, नहीं वहीं पे हमने कर दिया। इंस्टीट्यूट का मतलब वहीं पे, तो मैनेजमेंट। उसके बाद इसमें इनकी मेथड बताई गई कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो कंजर्वेशन टेक्निक में इसमें देखिए सीड फील्ड और बॉटनिकल, इनविट्रो पॉलन, DNA स्टोरेज, जीन बैंक स्टोरेज, और कई तरीके के मतलब इन्होंने काम करे थे, सीड स्टोरेज, फील्ड, जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन्स, इनविट्रो स्टोरेज, पॉलन स्टोरेज, DNA। इसके बाद इसमें जेनेटिक रिजर्व्स ऑन फार्म एंड होम गार्डन का फॉर्मेशन करा गया था, ठीक है। इसके बाद जो एक्सिट्यू है ना, उसमें एक चीज़ और थी कि सीड, इनविट्रो प्लांट, इनविट्रो एक्सप्लांट, ये सब भी ऐड करे गए थे। फिर दोनों का पॉइंट एक ही हो गया कि करेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, और उसके बाद प्लांट जेनेटिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन फॉर फ्यूचर, और फिर इनसे बनने वाले प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट, जैसे न्यू वैरायटी, न्यू क्रॉप्स, प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च एंड फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस लेक्चर में ये देखा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सबसे पहले इस फील्ड में काम कर रहा, तो वो था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसके बाद इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ आया, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू हमने प्रोटेक्ट किया बायोडाइवर्सिटी को, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल आया, फिर हमने नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1983 बनाया, ठीक है। देखिए 83 भी था और 1983 भी था, मतलब ये ध्यान रखना है, 1883 भी है और 1983 भी है, ठीक है। उसको अर्थ सम्मिट आया, और उसके बाद आपका वर्ड सबमिट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इससे पहले हमने जो बात करी थी, जो प्लान में स्टॉकहोम कन्वेंशन,
पहला इंटरनेशनल लेवल बात करें, उसके बाद आपका वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद एजेंडा 21, और उसके बाद अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो वाली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कही जाती है, जिसकी गाइडलाइंस आपको बताइए। और उससे पहले अगर हम बात करें तो IUCN की पूरी बात बताई, कितनी कंट्री हमारी डिवाइड है कितने रीजन्स में, और उससे पहले बायोडाइवर्सिटी के दो मास्टर ग्रेडियंट हैं, एल्टीट्यूड और लैटीट्यूडनल के अकॉर्डिंग इसकी पोजिशन कैसे चेंज होती है, और इसके वाइस वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी उसके दो तरीके से मैंने आपको बताया है कि नॉरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल वैल्यू की वजह से, और इससे पहले कि कौन से ऐसे पॉपुलेशन करेक्टर्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट टू बी एक्सटेंशन, तो वो करेक्टर बताएं, उनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स बताएं कि लार्ज बॉडी साइज की वजह से एलिफेंट एंड रॉयल बंगाल टाइगर लाइन्स वगैरह, ठीक है, इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे करेक्टर्स थे। और इससे पहले हमने एम्स एंड डायरेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करी है, तो आपको दोनों चीज़ें पता हो गई हैं, एम्स क्या थे, डिफाइन करा बायोडाइवर्सिटी को, तो इस तरीके से लेक्चर पूरा होता है। ठीक है गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगला वीडियो मेरा XC2 कंजर्वेशन स्ट्रेटजी पे होगा, जो आपको एक दिन बाद मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।